क्षेत्र के जीवनगढ़ गांव में डकैती के दौरान भागने के लिए छत से कूदने वाले आरोपी की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस इस मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। शनिवार रात जीवनगढ़ गांव में फरियादी भारत सिंह के घर में डकैती की नीयत से 6-7 बदमाश घुस गए थे। घर के लोगों के जाग जाने पर बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों के आ जाने पर बदमाश मौके से भागने लगे। इसी दौरान गिरोह का एक सदस्य भागने के प्रयास में मकान की छत से कूद गया। घायल होने पर उसे गाँव के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया था। गंभीर रूप से घायल आरोपी को पहले आलोट सिविल हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया था, जहाँ से उसे जिला स्वास्थ्य केंद्र रतलाम रेफर किया गया था। रतलाम में हालत में सुधार नहीं होने से इंदौर के MY अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में SP अभिषेक तिवारी ने कहा कि डकैती के दौरान भागने के लिए छत से कूदने पर एक आरोपी घायल हुआ था। आरोपी को उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है।